हेलो एवरीवन, विधिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं छवि में आज से इंडियन पिनल कोड 1860 के सभी चैप्टर्स को डिस्कस करूंगी, जिसमें से पहले चैप्टर है चैप्टर 4, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ये जनरल एक्सेप्शन 76 टू सेक्शन 106 तक के दिए गए हैं, जिसमें से 4 सेक्शंस 76 टू 79 आज हम लोग डील करने वाले हैं। सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79, दोनों ही सेक्शंस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बताया गया है। जो ये यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है 76 में, वो बाउंड बाय लॉ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई सुपीरियर ऑफिसर एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि आप इस भीड़ पर गोली चला दीजिए, और वो वैसा ही करता है, यहाँ पे उसको बेनिफिट 76 में मिल जाएगा, क्योंकि वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ए नाम के दो व्यक्ति हैं, जिनमें से एक के खिलाफ अरेस्ट वारंट आपके पास था और आप उसको गिरफ्तार करने जाते हैं, और दो ही दूसरा सेम नेम होने के कारण आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है और आप दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं। उस सिचुएशन में जब आपको ये पता चलता है कि हम इसको नहीं, इनको लाना था, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर डिफामेशन का क्लेम करे, तो वहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई थी, और ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ में होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का। इसके केस लॉस के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं, जिसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब सेक्शन 76 एंड 79 में केस लॉस में देखते हैं। आर वर्सेस प्रिंस नाम का एक केस हुआ, जिसमें 16 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल थी, उसको एक बॉय अपने साथ उसके फादर की विदाउट कंसेंट ले जाता है उसको। बाद में जब मामला सामने आता है, तो इस केस में जो बॉय होता है वो कहता है कि इस विषय में उसको, उसकी एज के विषय में नहीं पता था कि वो 16 इयर्स से कम है, उसको ये बात नहीं पता थी। वहाँ पे कोर्ट कहती है कि अगर आपको जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो ऐसा फैक्ट है जो एक्सक्यूज़ किया जा सकता है, तो ही एक्सक्यूज़ किया जाएगा, अन्यथा आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पे उसको कोई किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया गया था। एक और केस है आर वर्सेस टॉलसन का। इस केस में क्या होता है, एक महिला होती है जिसके पति को उससे अलग हुए 7 साल से कम हुआ होता है, लेकिन वो अपना दूसरा विवाह कर रही होती है। वहाँ पर जब उसको बाइगमी का दोषी पाया जाता है, तो वो ये कहती है कि उसको पूरा विश्वास था और वो गुड फेथ में अपनी दूसरी शादी कर रही थी कि उसका जो फर्स्ट हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है, तब वो अपना दूसरा विवाह कर रही है। यहाँ पे कोर्ट कहती है कि ये यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि उसको, वो गुड फेथ में काम कर रही थी और उसको कतई आइडिया नहीं था, और वो इसको पूरा विश्वास था कि उसका फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ये आपको 76 समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से है। 79 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। वहाँ पे क्या था कि आप बाउंड बाय लॉ होना चाहिए, यहाँ पर जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। अब सेक्शन 79 में के एग्जांपल से इसको समझते हैं, ऐसे तो नहीं समझ में आता, एग्जांपल से समझते हैं। एक ए और बी आपस में लड़ रहे होते हैं, उसी समय सी आ जाता है और बी को देखता है, उसको ऐसा लगता है कि जो बी है वो ए का मर्डर कर देगा, तो वो बी को पकड़ लेता है और पब्लिक अथॉरिटी के पास ले जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है जो बी है वो ए को मार नहीं रहा था, बल्कि अपने सेल्फ डिफेंस की को यूज़ कर रहा था। वहाँ पे उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई, इसलिए सी को यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप 76 एंड 79 आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब सेक्शन 77 की बात करते हैं। सेक्शन 77 सिर्फ इतना बताता है कि जो भी जजेस अपने जुडिशियल एक्ट को करते समय जो भी ऑर्डर पास करते हैं, उनके खिलाफ उनको बेनिफिट मिलता है, उनके खिलाफ आप कोई भी उनके केस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई जज अगर किसी को आजीवन कारावास देता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट देता है, उसके बाद वो सुपीरियर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है,
वहाँ उसको जो कहा जाता है कि आपको दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा बाद में कहे कि नहीं इन्होंने जानबूझकर हमको ऐसा दे दिया था, वरना हमारा हमको तो यहीं से छोड़ा जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 77 जो है वो जजेस को उसके उनके जुडिशियल एक्ट को करते समय बेनिफिट देता है। अब 78 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 78 जो जजेस जो भी ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट के, उनको जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग उनको पालन करते हैं, उनके लिए दिया गया है। जैसे कि अगर कोई किसी को फांसी की सज़ा का ऑर्डर दिया गया है तो जल्लाद उसको फांसी देगा। जब जल्लाद उसको फांसी देगा तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाएगा, यहाँ पर उनको बेनिफिट दिया गया है। ये 78 हो गया। आई होप आपको 76 से 79 तक के सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 80 पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हम लोग यहाँ पर ऑल सेक्शंस आईपीसी के डिस्कस करेंगे। आपके जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।